दोस्तों हम कब तक जुल्म सहते रहेंगे। सऊदी अरबिया में सऊदी की हाथापाई हुई है। ये गैर मुल्कियों के लिए बहुत अहम वीडियो है फ्रेंड्स। मैं कभी पहले नहीं कहता लेकिन रिक्वेस्ट है, ये देखिए मुझे फुल एसी में मैं बैठा हूं, मुझे पसीना आ रहा है। सिर्फ आप तक मालूमात पहुंचाने के लिए मैं स्ट्रगल करता हूं, आप भाइयों का फायदा हो जाए। आप सिर्फ भाई को सपोर्ट किया करें, नेकी का काम है, सदका जारिया है, क्योंकि इस्लामिक वीडियो बनाता हूं। चैनल को सब्सक्राइब खुद भी किया करें, शेयर वीडियो कर दिया करें, दूसरों को भी करवाया करें। तो फ्रेंड्स सऊदी अरबिया में सऊदी कफील था। अब देखिए उसका मुलाजम, उसको उसने इतना ज्यादा काम करवाया, इतना ज्यादा काम करवाया, वो बेचारा थका हारा रेस्ट करने के लिए आया तो फिर उस पर थप्पड़ों की बारिश की, उसको फिर मारा। ये द गॉड लाइफ फिल्म इसी वजह से ही बनी है, इनको एक्सपोज करने के लिए। देखिए हम लोग काम करने आते हैं, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, प्राइवेसी होती है, हम काम करते हैं, काम के पैसे लेते हैं। हम 24 घंटे आप लोगों के नौकर नहीं हैं, 24 घंटे आप लोगों के हम मुलाजम नहीं हैं कि जब भी आपको काम हो आप हमें कॉल करें या बुलाएं, हम भागे भागे आपकी तरफ आए, और जब साल बाद छुट्टी लेने की जरूरत पड़े आप हमें धमकियां लगाते हैं कि मैं आपका इकामा रिन्यू नहीं करूंगा, मैं आपको छुट्टी नहीं दूंगा या एक माह की एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दूंगा। इसी वजह से सऊदी अरबिया में ये लेबर लॉ चेंज हुआ है और इसमें सख्तियां आई हैं, और बकायदा कफीलों पर सख्तियां हुई है, ना कि लेबर वर्कर पर सख्तियां हुई हैं। तो ये एक वाकया सऊदीया के शहर अलबाहा में पेश आया है, जहां पे कफील जो है वो अपने मुलाजम की पिटाई कर रहा है, उस पर थप्पड़ों की बारिश कर रहा है, जबकि उसका दूसरा जो मुलाजम बेचारा पाकिस्तानी है वो पास खड़ा देख रहा है, वो अरबी को इतना भी नहीं कह पा रहा कि इसको ना मारो, इस पर तशद्दुद ना करो। तो मेरी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि अगर किसी पर जुल्म होता है और आप खामोश रहते हैं तो आप खुद भी गुनहगार हैं, खुद को भी गुनाह से बचाओ और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, अल्लाह ताला आपकी मदद जरूर करेगा। फर्दर अपडेट जानने के लिए इलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत किया करें। इजाजत दे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।